निकोलस पुरन ने की एक ऐसी हरकत जिसके बाद भड़क उठे हार्दिक पांड्या और अंपायर्स। जी हाँ दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे T20 मैच में हमें एक ड्रामा देखने को मिला। दरअसल जब वेस्टइंडीज भारत के दिए हुए 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तब उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही। पहले ही ओवर में उनके 2 विकेट गिर गए। इसके बाद निकोलस पुरन को भी दूसरे ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने LBW आउट कर दिया था, लेकिन पुरन ने DRS लिया जिसके बाद पता चला कि बॉल काफी अंतर से स्टंप्स को मिस कर रही थी, जिसके बाद पुरन अंपायर पर भड़क उठे क्योंकि वो अंपायर्स के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यही नहीं, इसके बाद जब चौथे ओवर में अर्शदीप सिंह ने काइल मेयर्स को LBW आउट किया तब भी DRS लिया गया, लेकिन अंपायर्स कॉल की वजह से उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा, जिसके बाद निकोलस पुरन अंपायर पर बुरी तरह से भड़क गए। वो काफ़ी देर तक अंपायर से बहस कर रहे थे, अंपायर्स भी उनसे बहस कर रहे थे। माहौल काफ़ी गर्म हो गया था। पुरन के इस हरकत से हार्दिक भी खुश नहीं नजर आए और उन्होंने आकर अंपायर से शिकायत की क्योंकि टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा था और पिछले मैच में भारत को ओवर्स पेनल्टी लगा था। दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर करें।